सो बायो स्टैटिस्टिक्स क्या पढ़ने वाले हैं? बायो स्टैटिस्टिक्स के बारे में है ना। बायो स्टैटिस्टिक्स बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स है, मेडिकल से। इससे जानने से पहले स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज मेथडोलॉजी टू गैदर, रिव्यू, एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम डाटा। मतलब स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? डाटा लिए कोई भी है ना, उस डाटा से फिर हम लोग उस डाटा को गैदर किए, उसको रिव्यू किए, देखें, उसको एनालाइज किए, फिर उसके बाद उससे हम लोग कोई कंक्लूजन निकालें है ना, तब उस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। और यही प्रोसेस अगर मेडिकल फील्ड में लग जाए, बायोलॉजी के से रिलेटेड फील्ड में लग जाए, लाइक डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस में लगे, तो उस केस में हम लोग कहते हैं इसे क्या? बायो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सिंपल सा है, बाकी और कोई टेंशन लेना नहीं है। तो इसमें बाकी इधर उधर की बात करने से पहले हम लोग सिंपल दो चीज़ पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्या? मीन, मीडियन एंड मोड है ना, मीन, मीडियन एंड मोड। यही जो है चीज़ जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और पूछी जाती है क्वेश्चंस में, बाकी तो थ्योरी होती है। तो मीन क्या होता है? सपोज़ करो कोई डेटा दिया हो या फ्रीक्वेंसीज या ऑब्जर्वेशन दिया हो, किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन हो इस तरह से। ऑब्जर्वेशन क्या है? सपोज़ करो ऑब्जर्वेशन दिया हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन दिया हो है ना, ऑब्जर्वेशन दिया हो, ठीक। तो ऑब्जर्वेशन टेबल हो सकता है, ऑब्जर्वेशन दो तरह का हो सकता है। पहला क्या हो सकता है? ग्रुप्ड, या फिर पहला अनग्रुप्ड है ना, अनग्रुप्ड, और दूसरा क्या हो सकता है? ग्रुप्ड। बताएंगे क्या क्या दो दो चीज़ें हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अनग्रुप्ड के बारे में है ना, पहले क्या पढ़ने वाले? अनग्रुप्ड। तो अनग्रुप्ड समझ लो, कोई ऑब्जर्वेशन इस तरह से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन? सपोज कर लो कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा है, 2, 31, 29, 7, 1, 15, इस तरह का कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। और एक और ले लेते हैं, 3, राइट। ये ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, इसका हमें निकालने तीन चीज़ बोला जा सकता है, क्या? मीन, ठीक है, मीडियन एंड मोड, मतलब ट्रिपल एम की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो मीन का क्या होता है, एक एक करके निकालना स्टार्ट करते हैं अब हम लोग है ना, एक एक करके निकालना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मीन? तो मीन का मतलब होता है हमारे पास एवरेज। मीन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले देखते हैं, मीन का मतलब जो होता है वो एवरेज होता है, सिंपल और स्वीट शब्दों में, ठीक है। एवरेज क्या होता है? अब एवरेज किसी भी नंबर्स, कोई भी नंबर्स दी हुई हों, उसका एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? तो सम ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस है ना, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या करना होगा? सबको जोड़ देना पड़ेगा, ये सब चीज़ों को जोड़ देना पड़ेगा, ये सब जितने सारी चीज़ें हैं है ना, जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 + 31 + 29 + 7 + 1 + 15 + 3 भाई कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1, 7। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट कर दो। जोड़ोगे तो इसका कितना आएगा? 2 और 31 33 33 हो गया 33 और 20 30 मतलब 63 63 में एक घटा दो 60, बाकी अपने से जोड़ लो, मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ से 62 हो जाएगा, 62 और 7 69, ये 70 70 और 70 80 85 और 88, तो 88/7 कैलकुलेशन देख लेना है ना, 88/7 क्या निकल गया? मीन। तो 7 1 = 7 और 7 2 = 14 और 0.4, तो 7 6 42 नहीं होगा, 7 5 = 35 समथिंग इस तरह का कोई निकल जाएगा हमारे पास मीन। अब बात करते हैं हम लोग तुरंत मीडियन की। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन से पहले हम लोग देखते हैं क्या? मोड। तो मोड का सिंपल डेफिनेशन है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन जो होगा वही होगा क्या? हमारा
मोड। तो मोड के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे देखो, है ना, इसको देखना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा कौन सा ऑब्जर्वेशन है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो ये 29 की है कि नहीं है, बिल्कुल। तो 29 इस केस में मोड हो जाएगा सिंपल, सॉरी 29 नहीं है, ये कौन सा है 31, ये नहीं है, ध्यान रखोगे ये क्या है, नहीं है, है कौन सा 31, सबसे ज़्यादा जो है उसको हम लोग लिखेंगे मोड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 31, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आते हैं मीडियन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आई थिंक, है ना, मीडियन बात करते हैं, किसकी, मीडियन की। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे नंबर जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसको हम लोग अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो जो भी नंबर है 2, 31, 29, 7, 1, 15, 3, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, ये सबसे पहला आ जाएगा 1, दूसरा क्या आएगा ये 2, तीसरा क्या आएगा 3, चौथा क्या आएगा 7, पांचवा क्या आएगा 15, छठा क्या आएगा 29 और सातवा क्या आएगा 31, है ना, ये इस तरह का नंबर आएगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं अरेंज, उसके बाद लिख डालते हैं यहाँ पे, है ना, कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 31 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीडियन को अरेंज कर देना। मीडियन को क्या कर चुके हैं हम लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर चुके हैं, है ना, मीडियन निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन को। अब इसमें दो फार्मूले होते हैं, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हुआ तब अलग फार्मूला है, अलग तरीके से निकालते हैं, और इवन हुआ तब अलग फार्मूला है। सबसे पहले चलते हैं ऑड के लिए, इसमें देखो गिनती करो कि कौन सा ऑड है या इवन है, हमारे ख्याल से ये ऑड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑड है, है ना, ऑड के लिए है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है, कैसे निकलता है ऑड के लिए। तो सिंपली फार्मूला है इसके लिए क्या, n+1/2 एथ टर्म, ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन हो जाएगा सिंपली। तो n+1/2 टर्म क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, होगा या नहीं, बिल्कुल। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, n कितना है 7+1/2, दैट इज फोर्थ टर्म, दैट इज क्या होगा फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, दैट इज 7 इज वॉट मीडियन इस केस में। अगर इसी में कोई एक नंबर और ऐड कर देते हम लोग, सपोज कर लो 31 के बाद, इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहता, 31 के बाद कोई नंबर ऐड हो गया, मान लो एक और 38 की बात करते हैं, अगर सपोज करो ऐड कर दिए तो इस केस में क्या हो जाएगा। अब नंबर इवन हो गया तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, n/12th टर्म, है ना, इसको क्या लिखोगे टर्म, प्लस n/2+1th टर्म बाई टू। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों का हम लोग क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एवरेज लेंगे तो n कितना है 8 है, 8/2 करोगे तो फोर्थ टर्म आएगा, यहाँ से क्या आएगा फोर्थ टर्म, इसमें से क्या आएगा फोर्थ टर्म, और इसमें से क्या आएगा फिफ्थ टर्म। कैलकुलेट करके देख लो, बाई टू करोगे फोर्थ टर्म कितना है 7 है हमारे पास, और फिफ्थ टर्म कितना है 15 है, बाई टू करोगे तो कितना आएगा वैल्यू 15 और 7 22/2 दैट इज़ इक्वल टू 11 आंसर, है ना, क्या आएगा 11 आंसर आएगा, ये क्या आया मीडियन हमारे पास, समझ गए। तो ऑड के लिए अलग कंडीशन है, इवन के लिए अलग कंडीशन है। तो आज इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट ये अनग्रुप डाटा का हो गया सारा खेल, अब देखेंगे हम लोग ग्रुप डाटा का, जिससे क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, और उसमें हम लोग आगे फिर फर्दर बढ़ेंगे, ठीक है।